नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेशन है तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ एट फाइव सिक्स फोर फाइव जीरो नाइन टी नाइन जीरो जीरो एट नाइन सेवन फाइव टू टो फोर फाइव फाइव यही नंबर है हमारे सिर्फ जहाँ पे कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं

ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट है गलत है क्योंकि मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया गया है वो वर्ष दो में नहीं दो हज़ार में दिया गया है इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत है तीसरा जो स्टेटमेंट है मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है वो अनब्रेकेबल है ये आपका सही है इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है जो ऑप्शन ए में दिया गया है आए थे अगला प्रश्न लोग यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है चुनाव आयोग ने एंकोर सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है भारतीय चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग पंद्रह में किया गया है भारतीय चुनाव आयोग में कुल पाँच सदस्य होते हैं चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकल बनाया है इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका जो पहला आप, पहला जो कथन आपका ये सही है चुनाव आयोग ने एंकोर सॉफ्टवेयर को तैयार कराया है दूसरा जो स्टेटमेंट वह आपका सही है भारतीय चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के भाग पंद्रह में किया गया है आर्टिकल तीन से लेकर तीन तक इसका जो है वर्णन किया गया है भारतीय चुनाव आयोग में जो है पाँच सदस्य नहीं होते हैं इसमें तीन सदस्य होते हैं एक आपके चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और बाकी जो है दो अन्य सदस्य होते हैं इसका जो तीसरा स्टेटमेंट वो आपका गलत है दूसरा जो कथन हुआ भी आपका सही है और राजकुमार राव को जो हाल ही में चुनाव आयोग ने, ने नेशनल आइकन बनाया अभी आपका स्टेटमेंट सही है तो इसका जो है पहला दूसरा और चौथा आपका सही है तो एक दो चार और एक दो चार आपके ऑप्शन सी में दिया गया है तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में शुरू की गई गोवा में चिखल कालो उत्सव मनाया जाता है इसका लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी जो है वाराणसी में शुरू की गई पंद्रह अगस्त दो हज़ार तेईस से और यह वाराणसी में जो है इसके लिए चार घाट जो है चार घाटों पर इसके स्टेशन बनाए गए हैं और गोवा में चिखल कालो उत्सव जो है मनाया जाता है तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है प्रश्न है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है अमित शाह नेशनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एन का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है अमित शाह जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं इन्होंने नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है और इसके लिए जो छः उत्पाद जो है आपके चुने गए हैं दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी आपका सही है हितेश कुमार एस मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक के पद पर नियुक्त किए गए हैं तो दोनों जो स्टेटमेंट आपके सही हैं अगला जो प्रश्न है यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार जुलाई को एस परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के बाईसवें शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है ईरान औपचारिक रूप से एस का पूर्ण सदस्य बना है शिखर सम्मेलन का जो विषय था वह एक सुरक्षित एस की ओर इस बार का विषय था इसके लिए चला आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है बाईसवें शिखर सम्मेलन जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ने की चार जुलाई को यह आपका आयोजित किया गया था दूसरा जो स्टेटमेंट वो आपका सही है ईरान जो है एस का पूर्ण सदस्य बन गया है और यह एस का नौवा पूर्ण सदस्य बना है और दो को इसकी जो थीम रखी गई थी एक सुरक्षित एस सी ओ को जो इसकी थीम रखी गई थी तीस के जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है अगला जो प्रश्न है क्लू चेवस्काया सोप का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट है यह है कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है केवल एक केवल दो दोनों या तो ना तो एक ना ही दो तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट हुआ आपका गलत है क्योंकि सोप का जो ज्वालामुखी जो है यह सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं है बल्कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है क्लोज चिवेस्काया सोप का जो ज्वालामुखी है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है दूसरा जो स्टेटमेंट है यह सोप का जो है ज्वालामुखी यह कामचट का प्रादी पर स्थित है तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वो आपका सही है इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी हम लोग चुनेंगे केवल दो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है सोप का जो ज्वालामुखी जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और यह है काम चटका प्रादी पर स्थित है इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है हरिमव शक्ति अभ्यास भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित होता है और दो में इसका जो आयोजन है उमरोई छाइनी किया जा रहा है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है केवल एक केवल दो दोनों या तो इनमें से कोई नहीं इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच आयोजित किया जाता है तो यह जो स्टेटमेंट वह आपका सही है दूसरा जो स्टेटमेंट है यह भी सही है 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है यह उमरोई छावनी में किया जा रहा है तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है इसका जो ऑप्शन सी है दोनों आते हैं अगला प्रश्न लोग यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है विश्व पर्यटन संगठन ने धोरलो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में शामिल किया है दूसरा जो स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना की एक पहल है तीसरा जो स्टेटमेंट भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रिफरेंस फ्यूल ऑयल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है तीसरा जो स्टेटमेंट है यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में कुजकोट को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नेटवर्क में जो है शामिल किया है इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है विश्व पर्यटन संगठन ने धोरड़ो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में जो है शामिल किया है और यह आपके गुजरात में स्थित है दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही है प्रोजेक्ट उद्भव जो है यह भारतीय सेना की एक पहल है तीसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है क्योंकि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल जो है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नहीं लॉन्च किया था बल्कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया था तीसरा जो स्टेटमेंट वह भी गलत है क्योंकि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में कोजकोट को सिटी ऑफ म्यूजिक में नहीं बल्कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में जो है शामिल किया था और सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में जो है ग्वालियर को शामिल किया था इस प्रकार जो है इसका जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आर आर टी एस की शुरुआत उत्तर प्रदेश के, के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर हुई है दूसरा जो स्टेटमेंट है मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है केवल एक केवल दो दोनों या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका सही है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जो शुरुआत हुई है वह उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर हुई है और इसके इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है शुरू किया है इसका दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है मेरा युवा भारत माई भारत मंच का जो शुभारंभ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तो यहाँ पर राजनाथ सिंह लिखा इसलिए यह जो आपका गलत हो जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका केवल एक इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है नंदनी दास को ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया है दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है परमाणु सक्षम अच्छा मिनट मैन थर्ड बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है केवल एक सही दोनों सही है इनमें से कोई नहीं सही है या केवल दो सही है इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है नंदिनी दास को जो है ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है प्रदान किया गया है यह आपका स्टेटमेंट सही है दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है परमाणु सच्चा मिनट मैन थर्ड जो है यह अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा जो है बनाया गया है तीसरा तो जो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है पहला और दोनों आपका सही है यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संयुक्त प्रक्रम है दूसरा जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला है आपको बताना है कौन सा जो है कथन सही है केवल के एक केवल दो दोनों या इनमें से कोई नहीं इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है, है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त प्रक्रम है दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी आपका सही है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो बंदरगाह आपका मोंगला है और बांग्लादेश का जो पहला भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह आपका और आपका चटगांव है दोनों फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट दो आपके सही है पे दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है लुसानी डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है दूसरा जो स्टेटमेंट है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य में शुरू हुआ है इसके लिए चार ऑप्शन देगा आप लोग आपसन पढ़ लीजिए इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है लुसानी डायमंड लीग दो का खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है इसका दूसरा स्टेटमेंट आप वह भी सही आपका है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन जो है वो गुजरात राज्य के सूरत के कांकड़ापार में शुरू हुआ है तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है अगला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं अगला जो प्रश्न है भारत के सॉलिसिटर जनरल संदर्भ में यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है यह देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी हैं और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ए के, के अध्यक्ष गृहमंत्री होते हैं आपको आपके लिए चार विकल्प दिया गया है विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो कार्यकाल है वो तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट वह गलत है भारत का सबसे बड़ा कानून जो अधिकारी होता है वह सॉलिसिटर जनरल नहीं बल्कि महान्यायवादी होता है महान्यायवादी जो है वो देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल जो है वो महान्यायवादी का सहयोगी होता है वह असिस्ट करता है और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल जो आपके वह आर वेंकट रमणी है अटॉर्नी जनरल जो है इसको हिंदी हम लोग महान्यायवादी के नाम से जानते हैं तो यह तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही है चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी की जो अध्यक्ष होते हैं वह गृहमंत्री नहीं होती बल्कि पीएम होते हैं एम होते हैं इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट हुआ आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है दूसरा और चौथा गलत है यहां पर जो है केवल एक और तीन आपका सही होगा केवल और एक और तीन कर लीजिए आप लोग यहां पर इसको हम लोग और इसका जो ऑप्शन ए है उसको सही मान लेंगे हम लोग पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट आपका सही होगा केवल एक और तीन देश का सबसे बड़ा जो कानून अधिकारी होता है वह अटॉर्नी जनरल होता है तो इसलिए इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत हो जाएगा और कैबिनेट के की नियुक्ति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह आपके पीएम होते हैं तो इसलिए जो है चौथा स्टेटमेंट आपका गलत होगा पहला और तीसरा आपका सही होगा तो यहां पर मान लीजिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है केवल एक और तीन आए थे हैं अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब खोजा गया है दूसरा स्टेटमेंट वित्त वर्ष दो हज़ार के दौरान तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में पहला स्थान प्राप्त किया है केवल एक सही है केवल दो सही दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है तीसरा जो पहला स्टेटमेंट वह सभी सही है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ओडिशा में भारत का पहला प्राकृतिक मेहराब खोजा गया है यह स्टेटमेंट आपका सही है दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि तमिलनाडु ने जो है वित्त वर्ष दो हज़ार के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है।, प्रकार जो सी है वो आपका सही है है एनडीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में दयापार विंड परियोजना स्थापित की है यूकी बावरी ने मालोरका में पहला ए युगल पी किताब जीता है आपको बताना है कौन सा कथन सही है केवले? केवल एक केवल दो? दोनों या इनमें कोई नहीं तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह सही है एनडीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में दयापार विंड परियोजना जो है स्थापित की है और इसकी जो क्षमता आपकी पचास मेगावाट इसकी कुल क्षमता है और दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है यूकी भावरी ने मालोरका में पहला जो है ए युगल खिताब जो है वो जीत लिया है इस प्रकार जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। हैं आए थे अगला प्रश्न लोग चैम्पियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संबंध में यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यू ने दो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के पाँच विजेताओं की घोषणा किया है यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 हजार उन्नीस में प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है इसके लिए चार स्टेट चार आपको ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2023 हज़ार तेईस चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो के लिए जो है पांच विजेताओं की घोषणा किया है तो दूसरा स्टेटमेंट ये आपका गलत है क्योंकि यह पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में नहीं प्राप्त हुआ था वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान यह स्टेटमेंट आपका सही है इस प्रकार जो है पहला और तीसरा आपका सही जो ऑप्शन ए में दिया गया है आप लोग अभी हाल ही में इसी वीडियो में पहले आप लोग पढ़े हुए हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये चीज़ आपको आसान लग रही होंगी लेकिन यही परीक्षा में आपको पूछा जाएगा इसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आप अधिक से अधिक लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप लोग रिवीजन भी करते रहिए अपने कॉपी में जो इसको नोट बनाते चलिए धीरे धीरे आपको नोट बनता रहेगा और परीक्षा आप देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न जो है इसी सीरीज़ के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है श्रावणी मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाता है एक सौ बत्तीसवें डूडेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट ईस्ट बंगाल ने जीता है आपको सही विकल्प की पहचान करनी है केवल एक सही है केवल दो सही दोनों सही है इनमें से कोई नहीं सही है तो इसका जो पहला स्टेटमेंट यह गलत है श्रावणी मेले का जो आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता है बल्कि आपके झारखंड में किया जाता है झारखंड में एक जगह है देवघर वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाता है दूसरा स्टेटमेंट यह भी गलत है एक सौ बत्तीसवें स्टूडेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वह ईस्ट बंगाल जो है वह रनरअप रहा है वह जो है रनरअप रहा है और विजेता जो रहा है वह मोहन बागान रहा मोहन बागान जो है विजेता रहा विजेता टीम मोहन बागान रही है और वह विजेता जो है ईस्ट बंगाल रही है तो इस प्रकार जो है इसका कोई भी स्टेटमेंट वो आपका सही नहीं है तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है प्रश्न है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है अमित शाह नेशनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एन का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है ऑप्शन आप, आप लोग पढ़ लीजिए पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है अमित शाह जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं इन्होंने नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है और इसके लिए जो छिदपा जो है आपके चुने गए हैं दूसरा जो स्टेटमेंट वो भी आपका सही है हितेश कुमार एस मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक के पद पर नियुक्त किए गए हैं तो दोनों जो स्टेटमेंट वो आपके सही हैं अगला जो प्रश्न है यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार जुलाई को एस परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के बाईसवें शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है ईरान औपचारिक रूप से एस का पूर्ण सदस्य बना है शिखर सम्मेलन का जो विषय था वह एक सुरक्षित एस की ओर इस बार का विषय था इसके लिए चल दिया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है बाईसवें शिखर सम्मेलन जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चार जुलाई को यह आपका आयोजित किया गया था दूसरा जो स्टेटमेंट वो आपका सही है ईरान जो है यस का पूर्ण सदस्य बन गया है और यह एस का नौवा पूर्ण सदस्य बना है और दो हज़ार तेईस को इसकी जो थीम रखी गई थी एक सुरक्षित एस सी ओ को जो इसकी थीम रखी गई थी इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है अगला जो प्रश्न है क्लू चेवस्काया सोप का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट है यह है कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है केवल एक केवल दो दोनों या तो ना तो एक ना ही दो तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है आपका गलत है क्योंकि सोप का जो ज्वालामुखी है यह सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं है बल्कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है क्लोज चिवेस्काया सोप का जो ज्वालामुखी है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है दूसरा जो स्टेटमेंट है यह सोप का जो है ज्वालामुखी यह काम चटका प्राइदी पर स्थित है इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी हम लोग चुनेंगे केवल दो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है सोप का जो ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और यह है काम चटका प्राइदी पर स्थित है जिस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत